नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री श्री मोदी 11 अक्टूबर को शिव सृष्टि का करेंगे शिवारोपण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में 11 अक्टूबर को शिव सृष्टि का शिवारोपण करेंगे। महाकाल मंदिर परिसर का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री मोदी के कर कमलों से होगा। ये इस सदी की महत्वपूर्ण घटना होगी। इस घटना की तैयारी बेहतर ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के श्री महाकाल मंदिर उज्जैन भ्रमण की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि यह कार्यक्रम अविस्मरणीय उत्सव मने, इसके लिए प्रतिष्ठित कलाकारों की भागीदारी हो, उज्जैन जगमग हो, मध्य प्रदेश के हर मंदिर पर रोशनी हो, पूरा प्रदेश कार्यक्रम को देख सके, इसकी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना की तैयारी व्यवस्थित होना चाहिए, उनकी आम सभा की तैयारी बेहतर हो, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को ध्यान में रखकर महाकाल मंदिर परिसर के लोकार्पण की तैयारी हो, विद्वानों से लोकार्पण के लिए सुझाव भी लिए जाए। इंदौर में तेज बारिश, 48 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम वर्षा शुरू होने के असर। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। कम दबाव का क्षेत्र 21 की रात से 22 सितंबर की सुबह तक पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में पहुंच जाएगा, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से लगभग 3 दिन तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, बैतूल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर ममता यादव बताती है कि मानसून दौड़ेगा अभी दिल्ली, हरदोही, वाराणसी, रांची, बालासोर से होकर गुजर रही है। 21 सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश के ऊपर भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से दौड़िका का पूर्वी हिस्सा दक्षिण की तरफ खिसकेगा। इन सभी मौसम प्रणियों की वजह से पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के असर है। 21 से 22 सितंबर से ये दौर शुरू होगा, जो 25-26 सितंबर तक जारी रहेगा। हालांकि 29 सितंबर तक रुककर चुटपुट वर्षा होती रहेगी। डॉक्टर ममता ने बताया कि इन्हीं मौसम प्रणियों के असर से सोमवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिवपुरी में 7, मलाजखंड में 6, ग्वालियर में 1.5, भोपाल में 1.2 में भी वर्षा दर्ज की गई है। गुना में भी बूंदाबांदी हुई है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, पीएससी में इस बार अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाई। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने बेरोजगार युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 43 साल की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 48 साल तक सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिलेगा। हालांकि ये व्यवस्था एक बार के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोमवार को अधिकतम आयु सीमा वृद्धि की घोषणा की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1500 लाड़लियों को देंगे लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की पहली किस्त। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अक्टूबर को लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए पात्र हो चुकी। प्रदेश की 1500 लाड़लियों को प्रथम किस्त के चेक का वितरण करेंगे। भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना अंतर्गत प्रत्येक लाड़ली को 12,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाड़लियों से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मई 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय लाड़ली उत्सव में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा की थी। योजना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को 2 किस्त में 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 12वीं पास कर स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली लाड़लियों को 12,500 रुपये और इसके बाद इतनी ही राशि अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान दी जाएगी। बाढ़ राहत कार्यों में वायुसेना का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल प्राप्त निवास पर कमांडिंग इन चीफ मध्य वायुसेना एयर मार्शल श्री अमनप्रीत सिंह ने सौजन्य भेंट की। श्री अमनप्रीत सिंह मध्य वायु कमान भारतीय वायुसेना प्रयागराज पदस्थ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मानसून में बाढ़ की स्थिति वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में वायुसेना का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एयर मार्शल श्री अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। एयर मार्शल श्री अमरप्रीत सिंह के साथ विंग कमांडर श्री रविंद्र अग्रवाल और ग्रुप कैप्टन श्री रामस्वामी कन्नन ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। एयर मार्शल श्री अमरप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री को वायुसेना की ओर से प्रत्येक चिन्ह भेंट किया।
वायरल ऑडियो की जांच कर शाम तक दे रिपोर्ट। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाल में ही सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के साथ अधिकारी द्वारा बातचीत में आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायरल ऑडियो की जांच कर शाम तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक जाबुआ को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक जाबुआ श्री अरविंद तिवारी का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। जल जीवन मिशन में प्रदेश को मिले 1410 करोड़। आपको बता दें, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन ने प्रदेश को 1410 करोड़ 25 लाख 43 हज़ार रुपये के प्रथम ट्रंच की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। जल जीवन मिशन में प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मिशन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50% व्यवहार वहन किया जाता है। मिशन में प्रदेश के करीब 1,22,00,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। प्रदेश में जल संरचनाओं का निर्माण कर हर घर जल उपलब्ध करवाने के कार्य में 52,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ दिया जा चुका है, जो संपूर्ण लक्ष्य का 44% है। प्रदेश के 6,100 गांव ऐसे हैं जिसके 70% परिवारों तक नल से जल पहुँचाया जा चुका है। शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारिणी निर्धारित की है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समय सारणी के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। भार मुक्त और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्रवाई 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में न आए बाधाएं। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह भोपाल के पुलिस कमिश्नर सहित रीवा, पन्ना, झाबुआ, कलेक्टर सह पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों से अलग अलग विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में आए विभिन्न विषयों पर बातचीत कर निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस भी वर्चुअल शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलों से चर्चा के क्रम में सबसे पहले पन्ना कलेक्टर से जिले के कुछ जिलों में गत माह मध्याह्न भोजन योजना में उत्पन्न बाधा और प्राप्त शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सीएम शिवराज ने कहा कि अन्य जिले भी मध्याह्न भोजन वितरण के कार्य की व्यवस्थाओं की पुख्ता बनाए रखे। योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्राप्त शिकायतों का अविलंब निराकरण किया जाए। कलेक्टर पन्ना ने बताया कि जिले के 1800 विद्यालयों में नियमित रूप से मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य चल रहा है। कुछ केंद्रों में मैपिंग की त्रुटि और तकनीकी समस्या के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान आया था, जिसे सुधार लिया गया है। खनिज साधन और श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी वर्चुअली शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा समारोह में मेरिट अनुसार 10 प्रतिशतियों को प्रमाण पत्र, प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्राप्त अप्रेंटिस एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले 55 प्रतिशिक्षणार्थियों तथा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्किल गैप एनालिसिस बुक लेट का विमोचन भी किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।